हिमाचल प्रदेश के चुनाव अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं और लगभग लगभग सभी प्रत्याशी 68 विधानसभा सीटों से तय हो चुके हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो। कश्मकश खत्म हो गई है उन प्रत्याशियों की जो इस टिकटों की मारामारी या भागदौड़ में बने रहे। लेकिन उसी के बीच जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी चर्चा का विषय इसलिए भी रहा क्योंकि 9 ऐसे लोग थे जिन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ खुलकर मीडिया में वो सामने आकर अपनी नाराज़गी जताई। लेकिन हाईकमान ने जब उनसे इस विषय में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास किसी की अनुमति नहीं थी, वो बिना पूछे मीडिया के सामने आ गए थे। और उसी का दोष या उसी का दंड कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो पूर्ण जोर से कोशिश कर रहे थे और उस व्यक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पार्टी हाईकमान ने उस व्यक्ति के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया और उनकी ईमानदारी और कर्मठ जो परिश्रम है उसके तहत उनको टिकट दी। जी, हम बात कर रहे हैं आज जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि धीमान जी से। रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न रवि जी, ये बताइए कि आपको यहाँ से प्रत्याशी बना दिया गया है, क्या लगता है, क्योंकि आपने डोर टू डोर जो है अभियान चला दिया है, घर घर जाकर आप वोट मांग रहे हैं, किस तरीके का प्यार आपको मिल रहा है, क्या लगता है कितनी ज़्यादा आप सशक्त हैं कि इस बार जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से आप सीट निकाल देंगे? जिस दिन मैंने नामांकन फाइल किया उस दिन जयसिंहपुर के ऐतिहासिक मैदान में जो जनसैलाब उबड़ा, मुझे लगता है लोगों ने फैसला अपनी वर्डिक्ट उसी दिन दे दी थी। लेकिन क्योंकि अभी तक 9 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा जी। मैं अपने डोर टू डोर कैंपेन में बिल्कुल पूरी तरह से तन्मयता से लगा हुआ हूँ, हर दहलीज पे माथा टेक रहा हूँ, हर घर पर दस्तक दे रहा हूँ और जो लोगों का रुझान है, जो लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे ये भरोसा हो गया है कि हम 100% ये सीट जीत रहे हैं। लेकिन अब ये सीट जीतने से मेरा मतलब नहीं है, ये जीत कितनी बड़ी होगी हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। जी रवि जी, एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ से विधायक बनते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर सड़कों की हालत बद से बदतर नज़र आती है, सुविधाओं की काफ़ी ज़्यादा कमी है आपके जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर भी मैंने पीछे भी आपसे बात की थी और पिछला जो दौरा था उसमें हमने बताया भी था कि सड़कों की हालत बहुत दयनीय है। सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए अगर आप जीतते हैं तो? जैसे कि आपने खुद माना है और आप भी इन सड़कों पर ड्राइव करके आए हैं जी, सड़कों की हालत सचमुच बहुत दयनीय है जी। सड़कें हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की हालत उससे भी बदतर है जी। शिक्षा की हालत यह है कि स्कूल पे स्कूल खोल दिए गए हैं, सरकारी फट्टे लगा दिए गए हैं जी, लेकिन कहीं कोई स्टाफ नहीं है, कहीं कोई अच्छी लैब्स नहीं है जी। पूरी तरह से इस विधानसभा के विकास को विराम लग गया था इन 5 सालों में। मेरी भरसक कोशिश होगी कि उस जो लोगों का जो भरोसा राजनीतिक पार्टियों से उठ गया था, राजनेताओं से उठ गया था, उसको फिर से कायम कर सकूं। जी जी, बहुत धन्यवाद रवि जी, आपने कीमती समय निकाला। और ये थे रवि धीमान जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर वो जीतते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना, सड़कों पर जो है रख रखाव है उस पर व्यवस्थित रूप से ध्यान देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र है जैसा रवि जी ने कहा। और अब ये देखना लाजमी होगा कि रवि धीमान जयसिंहपुर विधानसभा सीट से जीतते हैं और क्या जनता उनको जीत का तोहफा दे पाती है। कैमरामैन जगदीश के साथ मैं प्रदीप धीमान, UBB News जयसिंहपुर।